प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक है स्क्वेयर रूट अर्थात वर्गमूल। वर्गमूल की दो विधि हैं जो आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। नंबर एक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अर्थात अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी, डिवीजन मेथड अर्थात भाग विधि। अब आते हैं हम, परफेक्ट स्क्वेयर क्या है अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। जो संख्याएं 2, 3, 7 व 8 पर समाप्त होती हैं वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती अर्थात नॉट परफेक्ट स्क्वेयर। नंबर एक, अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के कुछ उदाहरण लेते हैं जो आप सभी विद्यार्थी पहले भी कर चुके हैं। जैसे 64 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अब हमने प्राइम फैक्टर मेथड से स्क्वेयर रूट निकालना है। सबसे पहले करेंगे हम 2, 2 से आया 32, 32 से फिर हम 2 से किया 16, फिर 2 से किया 8 आ गया, फिर 2 से किया 4 आ गया, फिर 2 से किया 2 आ गया, फिर 2 से किया 1 आ गया। अब हम इसको स्क्वेयर रूट के चिन्ह में रखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब हम इसको पेयर में लेकर, पेयर में से एक इसमें से ले लिया, इसमें से ले लिया। अब इनकी तीनों के मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 आंसर आ गया। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं 7 to 9 का। अब 9 क्या है? ओड नंबर है, ये 2 पे नहीं जा सकता अर्थात 2 के बाद हम 3 से करेंगे। 3 से किया 2 4 3 आया, फिर 2 4 3 को फिर 3 से किया 8 1 आया, 8 1 को 3 से किया 2 7 आया, 2 7 को फिर 3 से किया 9 आया, 9 को फिर 3 से किया 3 आया और 3 को 1 से किया फिर 1 आ गया। इसको ऐसे ही हम पहले सम की तरह रूट स्क्वेयर के चिन्ह में रखेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फिर पेयर में से एक एक ले लेंगे। इनमें से फिर 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 आंसर आ गया। ये दो उदाहरण मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसके बाद मैं अन्य कुछ सम दे रही हूँ जो आपने आज ही अपनी फेयर कॉपी लगाकर होमवर्क करना है।